हेलो दोस्तों, आपको सावन की बहुत बहुत और ढेरों शुभकामनाएं। शिव जी आपकी मनोकामना पूर्ति करें। जैसा कि आप हमारे इस थंबनेल में देख रहे हैं कि जीवन से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक समस्या का समाधान शिव जी की पूजा से संभव है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो देखते रहिए हमारा ये चैनल, हमारा ये वीडियो, और मैं आपको इस वीडियो में बहुत सी ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो आपके जीवन में बहुत ही कारगर, बहुत ही काम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारी सभी दोस्तों और माताओं बहनों से यही प्रार्थना है कि अगर उनके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी है, कि हर जगह से ज्योतिषी उपाय, हर जगह से टोना टोटका ज्योतिषी उपाय, या फिर किसी भी प्रकार के पूजा पाठ से हार मान चुके हो, वो जीवन में एकदम से बहुत निराश हो चुके हो और उनको समाधान नहीं मिल पा रहा हो, तो फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं इस वीडियो में छोटा ही सही पर कुछ ऐसे और सटीक उपाय बताने वाली हूँ जो आपके जीवन को निश्चित तौर पे 100% बदल के रख देगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भगवान शिव हर समस्या का समाधान करते हैं, वो जीवन के आधार है, उन्हीं से जीवन की शुरू और उन्हीं पे जीवन खत्म होता है। यानी हमारे मानव जीवन का शुरुआत और अंत भगवान शिव में ही समर्पित है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन की किसी भी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता 100% क्षमता भगवान शिव में होती है। ऐसे तो भगवान सभी भगवान में होती है, किसी भी भगवान को पूजे करे इसमें कोई दो राय नहीं कि भगवान पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन बरसते नियम सही होना चाहिए, सही तरीके से आपको करने आना चाहिए, तभी भगवान हमारी मनोकामना पूर्ति करते हैं। ऐसा ना आप दिल से पूजा करें, दिल से प्रार्थना करें, तो बिना कुछ चढ़ाए भी भगवान खुश हो जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें चढ़ावा भोग ही चढ़ाए तभी खुश होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ जिसको अगर आप कर जीवन में एक बार भी अगर आपने अपना लिया तो निश्चित तौर पर ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका ये उपाय जो आप करेंगे इस पे 100% आपका श्रद्धा और विश्वास पे ही निर्भर होता है। दोस्तों, अगर आप सोना का मूर्ति, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपने घर पर सोने का मूर्ति भी ला के रख दे और उसे दिन रात पूजा करें तो भी वो मूर्ति आपकी बातें नहीं सुनेगी और ना ही आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पत्थर को भी दिल से और श्रद्धा से पूजें तो आपकी प्रार्थना भगवान ईश्वर परमात्मा या फिर जो भी अदृश्य शक्ति है वो जरूर पूरी करती है। तो मैं यही बताने वाली हूँ आपको कि किसी भी सावन में, अभी तो सावन चल रहा है, आप किसी भी सोमवार से ये उपाय स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जीवन की कोई भी समस्या हो, जैसे नौकरी नहीं मिल पा रही हो, ऐसा बीमारी हो चुका है जिसका लाइलाज बीमारी हो, जिसका कोई भी इलाज ना हो, ऐसी बीमारी, चाहे किसी प्रकार की दुर्घटना का भय हो, मृत्यु का, किसी भी प्रकार के मृत्यु या भय या फिर रोग कष्ट का समस्या का समस्या हो, या फिर धन की किसी भी प्रकार की समस्या हो, या फिर आर्थिक तौर पे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, या फिर जीवन में शादी विवाह, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, विवाह से रिलेटेड कोई भी समस्या आपके जीवन में हो, सुख ना मिल पा रही हो, घर परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या हो, समाज में समस्या हो, तो आप इन उपाय से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार में एक ही समस्या के लिए एक ही उपाय करें, अपनी सौ समस्या लेकर एक बार में ये उपाय ना करें। कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी कोई भी 10 समस्या है तो आप पार्ट बाय पार्ट इसके लिए करें तो बेहतर होगा। किसी भी सोमवार को दिन आपको चुनना है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी सोमवार का आप दिन चुनिए, कोशिश करिए ब्रह्मा मुहूर्त का समय हो। ब्रह्मा मुहूर्त के समय आप जानते ही होंगे, ब्रह्मा मुहूर्त के समय में अपना हाथ धोकर फ्रेश कर ले। किसी ऐसे शिव मंदिर में आपको जाना है जहाँ पे अभी सावन में तो हर मंदिर में भीड़ भाड़ होता है, लेकिन किसी भी ऐसे सिद्ध और प्रतिष्ठित मंदिर में जाना है जहाँ पे थोड़ा सा कम भीड़ भाड़ हो और आप पूजा आसानी से कर सकें। आपको भरपूर पानी की मात्रा, शुद्ध पानी या शुद्ध जल की मात्रा रखनी होगी अपने पास, शिव जी के पास। आराम से आसन बिछा कर बैठ जाए, एक लोटिया ले लें, उस लोटिया से इतना पानी आपके पास होना चाहिए कम से कम 108 बार आप वहाँ पे शिव जी पर जल चढ़ा सकते। आपको 108 लोटा जल चढ़ाना है शिव जी पर, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बिना रुके आपको कंटिन्यू, मतलब ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए एक लोटा जल चढ़ाया भगवान शिव पर, फिर बोले ओम नमः शिवाय, फिर जल चढ़ाया, ऐसा करते करते आपको पूरे 108 लोटा
से जल चढ़ा देना है शिवलिंग पर। ध्यान रखिए, इसकी व्यवस्था आपको पहले से करके रखनी होगी। वहाँ पे कोई आप दाना वगैरह या फिर बादाम गिन के रख सकते हैं ताकि आपकी सुविधा हो। एक लोटा जल चढ़ाएं और एक बादाम साइड में रख दें, या फिर अपनी अपनी हेल्प के लिए किसी को आप रख भी सकते हैं। इस चीज़ का व्यवस्था पहले से रख ले। लेकिन हाँ, गिनती में कोई मतलब एक रुके बिना रुके हुए बिना किसी से बात किए हुए आपको करना है। और मन में समस्या भी सोचते रहें, मंत्र का जाप भी साथ में करते रहें। दोस्तों, पूरे सावन कर सके तो कर सके, नहीं तो हर सोमवार को सावन के किसी भी सोमवार से शुरू करके ये उपाय लगातार तब तक आपको करना है जब तक कि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, यकीन मारिए, जीवन में अगर आप एक बार भी अपनी कोई ये उपाय को कर लिए तो आपकी आपने जिस समस्या के समाधान के लिए इस उपाय को किया है, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूर्ति करेगा। आपको आपकी हर समस्या का समाधान जिसके लिए आपने किया था वो जरूर समस्या खत्म होगी। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।